नमस्कार, आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। इस समय हम सतवारी चौक में मौजूद हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो सुंजवा से लेकर सतवारी चौक तक काम चल रहा है, उसको लेकर जो कहीं ना कहीं जो म्यूनसिपल जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो अलॉट की गई घर हैं या दुकानें हैं, उनको लेकर जो है जब ये काम चल रहा है उसको लेकर ये कहीं दुकानें और घर जो हैं ये बीच में आएंगे, उसको लेकर आज यहाँ पर जो रेजिडेंशियल रहने वाले नई बस्ती के और सतवारी चौक के जो शॉपकीपर्स हैं वो यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार इनसे क्या कुछ है इनका कहना, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है इनका। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस समय जो ये तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पर पीसफुल महात्मा गांधी की प्रतिमा सतवारी चौक के नीचे यहाँ पर ये मौजूद हैं और साफ तौर पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ कहना है इनसे, कि हमारी जो दुकानें और घर जो हैं हमारे इस बीच में आ रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है इनका। क्योंकि लगातार आपको बता दूं कि ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम जो है सतवारी चौक से लेकर जो चल रहा है सुंजवा तक, और कहीं ना कहीं जो हाईवेज बन रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर फ्लाईओवर्स जो बन रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर जो है जो दुकानें और घर हैं जो बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बता दें पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर जो है शॉपकीपर्स और जो रेजिडेंशियल यानी कि घर परिवार वाले हैं जिनका घर यहाँ पर बीच में आ रहा है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, शॉपकीपर एसोसिएशन के भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है इनका, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। सर आज हम सतवारी चौक में बैठे हुए हैं, एक फ्लाइंग ओवर आ रहा है जो कुंजवानी से सतवारी चौक आना था और भगवती नगर ये जाना था, पर उन्होंने वहां से मोड़ के नई बस्ती की तरफ कर दिया। अब उसके बीच में सतवारी चौक और नई बस्ती की दुकानें आ रही हैं जो ऑलरेडी रोड के पीछे हैं, 75 फुट के पीछे हैं। अब ये इनक्रोजर कह रहे हैं जबकि दूसरी तरफ इनके पास रोड पड़ा हुआ है। ये इन्होंने ऐसा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है कि जहाँ पे लोग बैठे हैं वहां से रोड बनाना है, जहाँ पे अपनी जगह है वहां पे रोड नहीं लेके जाते हैं। हमारी ड्राइंग टेढ़ी हो रही है सर, ऐसी कौन सी ड्राइंग है जो लोगों को मार के ही सीधी होगी। 1947 के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लाठिए हैं, कोई म्यूनसिपलिटी से दुकानें हैं, कोई कस्टोडियन की दुकानें हैं, कईयों के पास रोड की NOC है कि वो 75 फुट से बाहर है, पर ये कहते हैं आके ये बिल्डिंग चली जाएगी। ऐसा 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 कौन सा आप रोड बना रहे हो, फ्लाइंग ओवर बना रहे हो कि लोगों ने अपना 75 फुट दे दिया उसके बाद आप उनके 20-20 फुट और लेके जा रहे हो। लोगों की छोटी छोटी दुकानें हैं, कारोबार हैं, परिवार चलते हैं, वो कहाँ से चलाएंगे, कहाँ से खाएंगे, और चार चार लड़के वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अपने परिवार कहाँ से पालेंगे। जी पवन जी, यहाँ पवन जी क्या कहेंगे आज जो आप यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ बैठे हैं, क्या क्या कहना है? हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं। ये 65 लोग नहीं है, इनके साथ पूरा ये जो इलाका है ये बर्बाद हो रहे हैं। इनके पीछे दीवार है, आगे खाई है, कोई सहारा नहीं है। ये एक 10-10 फुट की दुकानें ही है बस। तो ये जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट बना है, फ्लाईओवर्स की जो चेन बना रहे हैं, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो विकासशील हो, लेकिन किसी की दुकानें तोड़ के ऐसा विकास नहीं हमें चाहिए। हमने कल माननीय सांसद जी को यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, हमारी रिक्वेस्ट को वो आए, उन्होंने यहाँ पे सारे हालात देखे, बारी की, उन्होंने नेशनल हाईवे वालों से बात की और सोमवार को हमारी एक बैठक है उनके साथ, और मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। हम तब तक यहाँ हैं जब तक ये लोग रिहैबिलिटेट नहीं होते, जब तक रिहैबिलिटेशन नहीं होती मसला जब तक हल नहीं होगा, हम पीठ दिखाने वाले लोग ही नहीं है, वो हमारी कैटेगरी नहीं है। सियासत जो है मेरा पेशा नहीं है, मैं समाज सेवा के लिए इस राजनीति में आया हूँ, मैं अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। इन लोगों ने मुझे 2 बार उस मुकाम पे पहुँचाया, शायद मैंने कभी सोचा नहीं था। पूरे 65 के लगभग दुकानें और कुछ मकान, मान लीजिए कोई 11 के मकान बीच में आ रहे हैं जो इसमें आएंगे, और मुझे लगता है कि अगर हम कुछ चाहें, अगर एक से एक पॉजिटिव सोच बनाएं, तो मुझे लगता है ये बच भी सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। सांसद आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपकी तरफ से, जगह आपने दिखाई है, क्या वो जगह इन दुकानदारों को मिलेगी? मिलनी चाहिए, मिलेगी क्यों?
हम कोई ये नहीं कह रहे कि हमें तारे तोड़ के लाइए, जो जमीन पे काम है जमीन पे हम काम कर रहे हैं, जमीन है सामने सरकार की जमीन है, यहाँ पे हमें बिठाए, ये भी सरकार ने बिठाया हुआ है, हम खुद एंक्रोचर नहीं है, हमने कोई जगह नहीं घेरी, तो इसलिए जो बसाया है तो वहाँ पे रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए, आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपको सतवारी चौक की दिखा रहे हैं, जहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि ये जो मकान और दुकानें जो इस के बीच में आ रही हैं, जो कुंजवानी से फ्लाईओवर बन रहा है और कहीं ना कहीं उसको लेकर जब तक हमारी ये मसला हल नहीं होगा तब तक पीसफुल प्रोटेस्ट इसी तरह करते रहेंगे। और साफ तौर पर आपको बता दूं कि पवन सिंह यहां पर खुद मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर जो पार्षद हैं उन्होंने ये भी कहा कि मैं सेवा के लिए आया हूं और सेवा ही करके करने के लिए यहां बैठा हूं, और जब तक मेरे दुकानदारों और मेरे इस घरों का मसला हल नहीं होगा तब तक मैं यहां बैठा रहूंगा। कल जो माननीय जुगल किशोर शर्मा जो सांसद यहां पर आए थे, इनकी रिक्वेस्ट पर आए थे, उनसे भी बातचीत की है। अब आगे कुछ क्या कुछ निकलेगा वो भी आप तक साझा जरूर करेंगे। आपको तस्वीरें दिखाई हमने समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मुझे विनीत कार्लो को दीजिए इजाजत, नमस्कार।